अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो। सो वी आर एट SNS गोट फार्म जो कि मुमरा में है और जिसके ओनर है अनस भाई और सुफियान भाई। ये जो फार्म है माशाल्लाह, आपके सामने जो बैनर दिख रहा है, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, अगर आपको अपने फार्म के लिए ऐसे कुछ बैनर डिज़ाइन करने हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अनस भाई ने मुझसे बनवाया है। और माशाल्लाह यहाँ पर इनके काफ़ी सारे, अनस भाई और सुफियान भाई के जितने बकरे इन्होंने आज तक पाले हैं वो ये बैनर पे दिख रहे हैं। तो फार्म की स्टार्टिंग करेंगे अपडेट के साथ। यहाँ पर उन्होंने छोटे बच्चों का सेक्शन अलग बना दिया है, जो पिछले वीडियो में हमें देखने नहीं मिला था। मतलब वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर उनका खाली था। अभी यहाँ पर छोटे बच्चों का सेक्शन, नीचे बकरियों का सेक्शन अलग हो गया है और कुछ बकरे का भी सेक्शन अलग है नीचे। मतलब नीचे तीन सेक्शन हो गए हैं टोटली। और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बकरे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम पूरी उनकी पलाई फुल हो चुकी है। एक्चुअली 60 बकरों की उनके पास स्पेस थी फ़िलहाल जब फार्म न्यू स्टार्ट किए, और वो पूरे 60 के 60 बकरों की स्पेस अब फुल हो चुकी है इस साल के लिए। अगले साल के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह और स्पेस बनेगी, और जो बकरे हैं ये साल जाएंगे तो स्पेस अगले साल के लिए खाली हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरे बकरे जो देखेंगे, काफ़ी सारे बकरे जो उनके फार्म पर है माशाल्लाह, अभी बहुत अच्छी क्वालिटी में। आप विज़िट करके देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। बकरों को मतलब पूरा टाइम खाना बराबर प्रोवाइड करते हैं और ऐसे नहीं कि सेट बाहर घूम रहे। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अनस और सुफियान दोनों दिन में 3 टाइम एटलीस्ट फार्म पर जाते हैं। उनके घर से तकरीबन 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर फार्म है, 6 किलोमीटर, तो 3 टाइम बराबर विज़िट करते हैं वहाँ पर। कितने कितने घंटे बैठते हैं उनको, जानवरों को, सारे बकरों को, बकरियों को खाना पीना सब डालते हैं, सफाई करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सफाई होना इम्पोर्टेंट है। और सारे बकरों को चेकिंग होती है कि किसको कुछ प्रॉब्लम है, किसको क्या तकलीफ़ है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, और वीडियो में आपको बहुत सारे बकरे दिखेंगे तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को लास्ट तक। इसमें से काफ़ी सारे बकरे जो है मैक्सिमम वो पलाई के ही है। कुछ बकरे उनके खुद के हैं, कुछ बकरे उनके रिश्तेदार फ्रेंड के हैं ऐसे। और इसमें आपको कोई भी बकरा ऐसा नहीं दिखेगा जो ख़राब कंडीशन में हो। अंडुल हो सकता है थोड़े गंदे हो, क्योंकि वो आज नहलाओ तो कल परसों में वापस गंदे हो ही जाते हैं, उनका नेचर ही वैसा रहता है। बाकी बकरे तो माशाल्लाह सब के सब ही अच्छे हैं। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नीचे ग्राउंड फ्लोर का एरिया कवर करेंगे। अगला वीडियो जो आएगा पार्ट 2 इंशाल्लाह, उसमें फ़र्स्ट फ्लोर के बकरों का हाल क्या है वो देखेंगे। वहाँ पर भी बड़े बकरे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं अभी खिलाई पिलाई चालू है काफ़ी ज़ोर शोर से। और माशाल्लाह क्वालिटी और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है फार्म पर। आपको पूरे कलर्स, एक से एक कलरफुल बकरे, एक से एक जो है नस्ल वाले, हैदराबादी हो गया या फिर कोटा हो गया, मालवा हो गया, हंसा हो गया, सब दिख जाएंगे इंशाल्लाह फार्म पे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि पब्लिक ने ट्रस्ट किया है इनके ऊपर। अपने अपने बकरे अलग अलग जो है नस्ल वाले, अलग अलग क्वालिटी वाले भी ला के रखे हैं पब्लिक ने, और उनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक अच्छी बात है एक फार्म चलाने के लिए और न्यू स्टार्टअप के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी बकरियाँ भी हो चुकी है फार्म पर अभी। मतलब ज़्यादा बकरियाँ तो नहीं रखे हैं इतनी, लेकिन है काफ़ी सारी बकरियाँ माशाल्लाह। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने ये कंडीशन अच्छी ही है, और ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रेडिंग भी चालू है वैसे तो, अगर आप अनस या फिर सुफियान के कॉन्टेक्ट में हो तो आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग के वीडियोस मिलते होंगे वाया व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो वो ट्रेडिंग भी करते हैं। और इंशाल्लाह ईद में भी कोशिश करेंगे कि ईद के लिए कुछ वो और एक्स्ट्रा लाए, और इस साल ईद के लिए उनके पास भी और भी बकरे हैं लॉन्च के लिए, उनके ख़ास बकरे, जिस तरीके से पिछले साल मिर्ज़ा था, इंशाल्लाह इस साल भी आपको कुछ अच्छा और बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो दुआ कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको SNS गोट फार्म कैसा लगा। इसकी लोकेशन है
मुमरा में कोट बंगलो PNS गोट फील्ड्स के थोड़ा और आगे है। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो अनस साबले या फिर सुफियान भाई को। और कोई भी बातचीत करनी हो आपको अगले साल के लिए पलाई के लिए बातचीत करके रखना हो अभी से, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह वो आपको रिस्पांस ज़रूर दे देंगे। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ऊपर का पार्ट जो फर्स्ट फ्लोर का पार्ट है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे बड़े बकरे रखे हुए। तो स्टे ट्यून दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।